कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर की रेप मर्डर की मिस्ट्री उलझती जा रही है। मामले में आए दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। देश को झकझोर कर रख देने वाले इस मामले में एक महीना बीत चुका है, मगर अभी तक हत्या की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। सीबीआई की गिरफ्त में अस्पताल के प्रिंसिपल रह चुके संदीप घोष लगातार सवालों के कटघरे में हैं। संदीप घोष को लेकर सीबीआई की जांच में रोज सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई लगातार घोष के काले कारनामों की परतें खोलने में जुटी है। सीबीआई ने 150 से ज्यादा घंटे तक पूछताछ कर ली है, मगर अभी भी एजेंसी को कई सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं। अब तक सामने नहीं आया कि हॉस्पिटल के प्रिंसिपल रह चुके संदीप घोष लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना के समय कहां थे। इस बीच संदीप घोष से जुड़ी एक बड़ी लीड सीबीआई के हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि इसे जानकर खुद सीबीआई के अधिकारी भी सकते में हैं। संदीप घोष के मोबाइल टावर की लोकेशन से कई हैरान कर देने वाले खुलासे सामने आए हैं। दावा है कि संदीप घोष का मोबाइल टावर लोकेशन बरईपुर स्टेशन से सटे इलाकों में पाया गया है। खास बात है कि एक बार नहीं बल्कि कई बार संदीप घोष इस इलाके में मौजूद रहे हैं। संदीप घोष की घटना वाले दिनों से पहले के दिनों की जांच में भी उनके टावर की लोकेशन बार बार बरईपुर स्टेशन के आसपास आई। संदीप घोष को लेकर ऐसा दावा किया जा रहा है कि वह यहाँ पर एक प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और प्रिंसिपल पद पर रहने के बावजूद वह अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहे थे। बताया गया कि सीबीआई अधिकारियों ने संदीप घोष के कथित प्राइवेट क्लिनिक की भी तलाशी की, जहां से टीम को कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। ऐसे में सीबीआई ने नमिता सेबायतन की खाक छाननी शुरू कर दी है। ये कोलकाता के बरईपुर का एक चिल्ड्रन पॉलीक्लिनिक है। इसकी गिनती टॉप रेटेड हॉस्पिटल में होती है। सीबीआई अब संदीप घोष के चिल्ड्रन पॉलीक्लिनिक की भूमिका पर भी सवाल उठा रही है। ऐसे में देखना काफी अहम रहेगा कि सीबीआई की जांच में संदीप घोष को लेकर और क्या क्या खुलासे होते हैं। गौरतलब है कि हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई कोर्ट ने 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच चल रही है। बता दें कि संदीप घोष के खिलाफ सीबीआई दो केसों की जाँच कर रही है। एक मामला महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या का है, जबकि दूसरा मामला उनके कार्यालय के दौरान आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार किया गया था।